हेलो एम वैशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। दैट मींस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की अगर इक्वेशन आपको दी गई हो तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सॉल्वेबल फॉर पी मेथड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और उस पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चन किए थे। आज हम समझेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन को ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो मैं समझाऊंगी, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे ऐप में मिलेंगे, मोबाइल ऐप में मिलेंगे। मोबाइल ऐप का लिंक आपको बॉटम में मिल रहा होगा, ठीक है, बॉटम में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आप नोट्स ले सकते हो वहाँ जाके। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट करी हैं उन सबके नोट्स आपको मोबाइल ऐप में ही अवेलेबल होंगे। जो प्रीवियस वीडियोस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने पढ़ा दी हैं उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर कर दिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये सेकेंड वाला मैं पढ़ा रही हूँ तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, ठीक है। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्वेबल फॉर एक्स हम कब लगाते हैं और किस तरीके की इक्वेशन होती है जब ये मेथड लगता है और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी। दैट मींस कि हमारे पास एक्स, वाई और पी के टर्म्स होंगे। इन इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके हमें इस तरीके से एक इक्वेशन दी गई होगी। तो तब हम एक्स फॉर सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई एंड पी। तो यही इसका प्रोसेस है। स्टेप समझते हैं डायरेक्टली कैसे होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई होगी वो हमारे पास x, y और p में होनी चाहिए, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप ये है, अगर x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में लिख देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप ये होगा कि जो इक्वेशन हमें वन मिल गई है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ y। y के टर्म में जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें टर्म्स मिलेंगी कैसी, जैसे dx by dy, dy by dx इस तरीके से, या dy by dp इस तरीके से कुछ टर्म्स मिलेंगी। प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि हम जब फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उस समय हम स्मॉल p को मानते हैं dy by dx की वैल्यू। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमें dx by dy मिलेगा एक टर्म, तो dx by dy को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन p के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे dx by dy, ठीक है। तो हमने अपनी इक्वेशन को p के टर्म में और y के टर्म में कन्वर्ट कर दी। इसका मतलब कि जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, अब फोर्थ पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू समथिंग हमें मिल जाएगा, मतलब y p या किसी कॉन्स्टेंट के टर्म में हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा सबसे पहला आंसर बनेगा जिसको मैं f1 लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू मुझे मिली है, इस y की वैल्यू मैं उठाऊंगी और ये जो फर्स्ट वाली मेरी इक्वेशन थी इसमें मैं पुट कर दूंगी। जब इसमें मैं y की वैल्यू को पुट करूंगी तो x इज इक्वल्स टू समथिंग मुझे मिल जाएगा। दैट मींस कि ऐसा मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें x होगा और y तो मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो x होगा, p होगा और कॉन्स्टेंट c होगा। इस तरीके से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये दोनों मेरे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, ये दोनों मेरे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें y के टर्म में होगा, लेकिन किस टर्म में होंगी इक्वेशन, y की इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर p। दूसरा सॉल्यूशन होगा x इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर p। अब मैं आपको डिटेल में पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद जो ये स्टेप्स हैं वो एक बार दोबारा आके बताऊंगी, क्लियर है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी आपको तभी क्लियर होगी जब आप क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया होगा f, वो x, y और p में होगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो हमारी इक्वेशन देखो इसी तरीके से x, y और p में है, तो इसका मतलब सॉल्वेबल फॉर x मेथड लगाने के लिए ये इक्वेशन एलिजिबल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था कि x लेफ्ट हैंड साइड में और सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में लिखनी है। तो जब x लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा y प्लस a log p, ये ऑलरेडी गिवन फॉर्म ही है, इसको मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ, फर्स्ट मार्क कर लेती हूँ। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगी उसको मैं y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगी, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट ऑफ y, ठीक है, y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि p की प्रेजेंस आने लग जाए हमारे इक्वेशन में, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं इक्वेशन वन को तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए dx by dy is equals to y की जगह 1 plus a log p का 1 upon p, p की जगह dp by dy। अब मैंने फोर्थ स्टेप में आपको बताया था कि जहां पे भी dx by dy दिखे वहां आप 1 upon p लिखिएगा, तो फिफ्थ स्टेप में ये लिख देते हैं, 1 dx by dy है तो मैं इसको 1 upon p लिख देती हूँ, is equals to 1 plus a upon p dp by dy।
अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की कन्वर्ट हो गई, तो इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा देते हैं, p वाला एक साइड, y वाला एक साइड, और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो। तो p वाली टर्म लाने के लिए मुझे 1 अपॉन p माइनस में 1 लिखना होगा, राइट हैंड साइड में बन जाएगा a अपॉन p dp बाई dy, ठीक है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस p अपॉन p इज इक्वल्स टू a अपॉन p dp बाई dy। अब p को दोनों साइड से जब हम कैंसिल करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस p इज इक्वल्स टू ए डी पी बाय डी वाई। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करते हैं। देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जब अप्लाई करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए ऐसा ही है, डी पी ऐसे ही, इसके नीचे आप लिख दो 1 माइनस पी, मतलब डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू डी वाई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ए 1 अपॉन पी का हो जाएगा लॉग 1 माइनस 1 माइनस पी, और पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा माइनस सिंबल, इज इक्वल्स टू वाई प्लस अ कॉन्स्टेंट सी। अब सी भी इधर ले जा लो तो ये बन जाएगा सी, सी माइनस सी था तो मैंने इसको दोबारा सी वन मान लिया, तो सी माइनस ए लॉग 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू मिली है, क्या मिला है, ये हमारा पहला आंसर है y, जो कि पैरामीटर p के टर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिखा था ना एफ वन इन टर्म्स ऑफ y p c इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मैं देखें यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हमारे को क्या करना है, जो हमारी y की वैल्यू मिले ना, y इज इक्वल्स टू c माइनस a log 1 माइनस p, इस वैल्यू को हम उठाएंगे और ये जो हमारी पहली इक्वेशन है यहाँ पे, ये देखो ये जो मेन इक्वेशन है इसमें y की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे देखा आंसर किस तरीके से मिलेगा। x ध्यान से देखना, फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करना, x इज इक्वल्स टू y की जगह वैल्यू पुट करो c माइनस a log 1 माइनस p, प्लस क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्लस a log p। अब हमारा आप देख रहे हो कि फंक्शन किस टर्म में लिखा गया, ये इसको हम f2 नाम दे देते हैं इस पूरे को, ठीक है ना, इसको इस, दिस इज f2। f2 में हमें क्या मिल रहा है, f2 में मिल रहा है हमें x p और c इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या है, हमारी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज द सेकेंड सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन मिले हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर पी है, ठीक है। अब हम मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा, यही हमारे फाइनल सॉल्यूशन है। देखिए x इज इक्वल्स टू वाई ए प्लस लॉग पी है, ठीक है, इस तरीके से लिखा, y के टर्म में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड अप्लाई किया, तो y के टर्म में हमें आंसर मिला y इज इक्वल्स टू सी माइनस ए लॉग 1 माइनस पी, क्लियर, पहला आंसर। दूसरे वाले को इस वाली वैल्यू को उठाया और यहाँ y की जगह यहाँ पे, y की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करा y की जगह में, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू सी माइनस ए लॉग 1 माइनस पी प्लस ए लॉग पी। लिखा है यहाँ पे 2 एंड 3 टुगेदर फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है, x के टर्म में वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली, बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ 1 इन पैरामीटर फॉर्म p, क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए फिर वही चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो है, अगर इस तरह की इक्वेशन है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, वाई इन्वॉल्व है, पी इन्वॉल्व है, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें सॉल्वेबल फॉर पी मेथड, सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड, सॉरी सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले, सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में डाल दें, तो ये बन जाएगा पी वाई प्लस 3 माइनस पी क्यूब। अब सेकंड स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई, तो बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी वाई, वाई प्लस 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं, ठीक है। अब पी ऐसे ही रहेगा, वाई की जगह आ जाएगा 1 माइनस पी क्यूब का क्या होगा 3 पी स्क्वायर, और पी की जगह डी पी बाई डी वाई। अब देखते हैं क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। थर्ड स्टेप, डी एक्स बाई डी वाई की जगह भी आप 1 अपॉन पी लिख दीजिए, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई की जगह भी हम 1 अपॉन पी लिख देते हैं, तो बन जाएगा 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी वाई, वाई प्लस 3 प्लस पी माइनस 3 पी स्क्वायर, ओके। सो ये 3 और ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी पी बाई डी वाई, वाई प्लस पी 1 माइनस 3 कॉमन लो इसमें से, 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, ठीक है, p पे डी पी बाई डी वाई नहीं है ना, तो p को बाहर ही रहने दो, प्लस में p, इधर भी प्लस में p, ओके, और यहाँ पे है 1 अपॉन पी। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन पी माइनस पी इज इक्वल्स टू, इसको मैं ले गई हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा dp बाई डी वाई, वाई प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर,
ओके okay, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल्स टू वाई डी पी बाई डी वाई प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। इस तरीके से हमें यहाँ पे टर्म मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मैं एक बार इरेज करके आपको यहाँ तक बताती हूँ। देखिए हमने x को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले ली, y के टर्म में डिफरेंशिएट किया, बन गया dx एक्स बाई डी वाई लेफ्ट साइड में। ओके यहाँ बन गया y प्लस 3 dp बाई डी वाई पी इंटू 1 माइनस 3 पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। अब 1 अपॉन p है और ये वाले p को एक साथ ले गए तो बन गया 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन p। अब dp बाई डी वाई कॉमन लेके सबको अंदर डाल दो, बन जाएगा y प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिया इसमें 3 में और ये वाले 3 में, ठीक है ना, 3 कॉमन लिया तो इस तरह की टर्म आ गई। अब हमारे पास जो फाइनल ये बना है, बना है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी वाई और साथ में बना है वाई प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो डी वाई बाई डी पी लिखते हैं इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर, साथ में यहाँ पे आ जाएगा p और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। अब ईच टर्म में 1 माइनस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो y अपॉन p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल 3p और यहाँ पे आ जाएगा dy वाई बाई डी पी। तो ये आपको लीनियर की फॉर्म दिख रही होगी ना, देखो ये फॉर्म यहाँ भी बनी दिख रही है, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, dy वाई बाई डी पी है, इसको हम बनाएंगे, देखो dy वाई बाई डी पी और यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स ऑफ पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर साथ में वाई, क्योंकि वाई देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई की टर्म आएगी यहाँ पे बीच में, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी, कैपिटल पी की वैल्यू बन जाएगी ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3p और ये हमारा बन जाएगा क्यू। ये कौन सी फॉर्म बनी है ये समझ में आ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर इक्वेशन बनी है। इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द लीनियर मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी जब इसको सॉल्व करोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, p की वैल्यू है 1 माइनस p अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा dp, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली यहां पे बता देती हूं। देखो इसको हमने यहां पे लीनियर इक्वेशन बताया है, फिर इसको हमने सॉल्व किया है, तो जब सॉल्व किया तो वैल्यू मिली है e टू द पावर 1 अपॉन 2 log t। अब अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। देखो यहां पे p अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस पी स्क्वायर को t पुट करो, 1 माइनस पी स्क्वायर को t पुट करो तो ये 1 का 0 माइनस 2p और p का dp इक्वल टू dt, तो p dp की जगह आप लिख सकते हो dt बाई 2 मतलब माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 log t। t की वैल्यू आपको पता है कि 1 माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे p की वैल्यू हमने रख दी तो हमें e की वैल्यू मिल गई e टू द पावर 1 अपॉन 2 log 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इसको जब हमने सॉल्व करा, e और log को कैंसिल किया क्योंकि हाफ है, यहाँ पावर में डाल दो हाफ 1 बाई 2, तो e और log कैंसिल, तो ये आपको मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर है y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर 1 बाई 2, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस पी स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3p थी, इंटू क्यू जो कि है 3p डी पी प्लस अ कॉन्स्टेंट c। तो ये चीज़ यहाँ लिख दी गई है, वाई इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर टू द पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रेशन में p आया है 1 माइनस पी स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 डी पी। अभी बहुत बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंपल बनाते हैं। 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर ये टर्म कॉमन है, तो इसको हम लिख देते हैं v। जब इसको v लिखेंगे तो माइनस 2p dp इज इक्वल्स टू dv और p dp की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, माइनस 1 बाई 2 dv। इसको पुट करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, देखो इसको यहाँ पे किया तो ये हमें फाइनल टर्म मिली है, ये बन जाएगा 3 इंटीग्रेशन में माइनस वी टू द पावर 1 बाई 2 बाई 2 dv। आई होप समझ में आ रहा होगा हमने क्या करा, 1 माइनस पी स्क्वायर की जगह v सिर्फ राइट हैंड साइड में रखा, ठीक है, और p dp की जगह मैंने माइनस 1 बाई 2 dv रख दिया। तो p और dp की जगह माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 और dv और साथ में 1 माइनस पी स्क्वायर की जगह v रखा है, तो v टू द पावर 1 बाई 2। इसका इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन में v टू द पावर 1 बाई 2 dv है। अब v टू द पावर 1 बाई 2 का क्या आ जाएगा, v टू द पावर 3 बाई 2 और यहाँ भी 3 बाई 2, यहाँ है माइनस 1 बाई 2 और प्लस अ कॉन्स्टेंट c। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा c माइनस वी टू द पावर 3 बाई 2 और v हमने क्या अज्यूम किया था, 1 माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने v की वैल्यू रख दी, ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू थी ये y इंटू दिस इज इक्वल्स टू c
माइनस दिस, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू हमें लिखना है, तो y इज इक्वल्स टू हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। एक्चुअली क्या करा, इससे यहाँ पे पूरे को डिवाइड कर दिया, 1 माइनस पी स्क्वायर टू द पावर 1 बाई टू, तो यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपको y इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर p, ठीक है। अब ये वाली जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जो हमने सबसे पहली इक्वेशन मानी थी, ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर आ सके। जब इसमें हमने वाई की वैल्यू पुट करी तो एक्स इज इक्वल्स टू हमें ये वैल्यू मिली है, एक्स इज इक्वल्स टू पी सी वन माइनस पी स्क्वायर टू द पावर वन माइनस टू प्लस टू पी। क्लियर है? तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से और जो क्वेश्चन आपकी बुक में दी गए हो तो उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, और इन पीडीएफ्स को आप ऐप में ऐप को इंस्टॉल करके उससे ले सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।